pink champagne. I'm totally vibing. बस चुप भाई, मैंने ना अबे सारा खा लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं एनकल बर्ड्स। गाइस सुबह के बजे हैं अभी 8:30। मैं आ चुका हूं मिनी जू के अंदर, और मिनी जू अभी भाई अगर आप देखेंगे गर्मी देखो भाई साहब, सुबह सुबह धूप देखो कितनी आ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे सारे परिंदे बंद है, हमारा टर्की मुर्गा मुर्गी और एक गिनी फॉल हमने सामने बंद कर रखा है, बाकी हमारा मुर्गा और जो हमारे खरगोश है सब हमारे सेफ रूम के अंदर है। हमारे सब खरगोश यहाँ पे, ये सब के सब जो है बाहर। तो यार मैं ना इनको एक काम करता हूँ, पड़ा है मेरे पास घास, इनको सबसे पहले मैं घास डाल दूंगा यहाँ पे। आ जाओ। तो यहाँ पर इतना ये घास खा लेंगे सब। ये देखो भाई इनको मत होने देना, मैं इसलिए बाहर निकालता इन्हें। तो यार ये ना घास खा लेंगे, मैं इनको घास के लिए। तो बस देखो मैंने सारे खरगोश बाहर निकाल दिए, और यार मैं इसलिए इनको बाहर नहीं निकालता, इसलिए निकालते इनको बाहर में, यार ये परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं। और देखो मुर्गा बाहर निकालते ही टर्की मुर्गे के साथ में लड़ने के लिए समझ लो तैयार है, इसलिए मैं इनको बाहर नहीं निकाल रहा था। अभी मैं क्या करता हूँ, केवल मुर्गी को बाहर निकालूंगा और मुर्गे को नहीं निकालूंगा, केवल मुर्गी को बाहर निकालता हूँ। गाइस मैंने क्या किया, जो हमारी टर्की मुर्गी है ना उसको बाहर निकाल दिया, मुर्गे को नहीं निकाल रहा अभी, मुर्गे को निकालूंगा बाद में जब। उफ़ अबे सारा खा लिया, रोटी के रक्षण है सारा खरगोश हो गया पूरा। सुबह सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा होता है गाइस, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना जितने भी पंछी परिंदे सारे खुश होते हैं। तो मैंने सुबह सुबह जो है इनको निकाल दिया, अब मैं अपने कबूतर ही बाहर निकाल देता हूँ। एक बार मुझे निकालने पड़ेंगे इनको बाहर जाके। और भाई ये बैठी है 3 अंडों पे एक साथ। गाइस देखो हमारी जो ये मद्रासी कबूतरी है ये एक साथ 3 अंडों पे बैठी है। 2 अंडे तो है भाई हमारे लाखी कबूतरी के, और 1 अंडा इसके खुद का है, और लेकिन 3 पर नहीं बैठी, एक साथ 2 पर बैठी है। 1 अंडे का इंतजाम हमें कहीं और करना पड़ेगा, मैं इनको बाहर निकालता हूँ। चलो 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 बाहर, चलो बाहर 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 बाहर, चलो सब बाहर, चलो चलो आप भी चलो। ओ भाई एक अंडा यहाँ पे रखा है, यानी किसी और कबूतरी ने अंडा दिया शायद। चलो 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 बाहर, चलो अरे बाहर, चलो चलो बाहर, चलो चलो तो दरअसल गाइस क्या है ना, वो ये तो 2 अंडे हैं यहाँ पे, मैं 3 बोल रहा था, मुझे लग रहा है एक अंडा उधर रख दिया उठा के बच्चों ने उस वाले में, ताकि दूसरी कबूतरी बैठ सके, क्योंकि एक कबूतरी भाई एक बार में ही 2 अंडे निकाल सकती है। तो देखो भाई सारे कबूतर हमने बाहर निकाल दिए अपना मस्त तरीके से, और जो है इनको मैं डालता हूँ दाना। आओ भाई देखो भाई देखो सब जो है मस्त तरीके से भाई अपना, वो कबूतरी फिर जाके बैठ गया यार अपने अंडे पे। ये देखो गाइस किस तरीके से खीरा खा रही हैं भाई हमारे गिनी पिग, यार बहुत ही खूबसूरत चूहे होते हैं ये, बहुत ही खूबसूरत। देखो गाइस किस तरीके से खा रही हैं ये। पिंक शैंपेन आई एम टोटली वाइबिंग। भाई अब दिखाता हूँ हमारे जो तोते हैं, इनको मैं आज घर लेकर जाता हूँ यार, इनको ना घर लेकर जाओ है ना, और छोटे पिंजरे में कर देंगे इनको। पहली बात तो बड़ा पिंजरा घर ही लेके जाते हैं, और क्योंकि इनको ये सीख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। हमारे जो बज्जी तोते हैं गाइस, बज्जी तोते भी देखो यहाँ पर जो है भाई साहब अभी भूखे बैठे हैं, जल्दी से मैं इनको भी दाना डालता हूँ, क्योंकि भाई ये भी बहुत ज़्यादा रुका उतारते जब इनको भूख लग गया। टर्की मुर्गी को मैंने बाहर निकाल दिया, और मुर्गा हमारा यहाँ पर घूम रहा है। मुर्गा मैंने इसलिए बाहर निकाला गाइस कि हम दिन में ना टर्की मुर्गा और मुर्गी को बाहर छोड़ देते हैं, और ये जो मुर्गा मुर्गी है इसको सामने सेफ रूम में बंद कर देंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो फिलहाल हमारे कबूतर दाना चुग रहे हैं, मैं जो है गिनी फॉल को भी दाना डाल देता हूँ, ये भी भूखी होगी। पहली बात तो इनको यार काफ़ी दाना पड़ा हुआ है। भाई आपने देखा था परसों मैंने कमरा कितना साफ कर दिया था, बहुत अच्छा कमरा कर दिया था ना, अभी आप देखो यहाँ पे कमरे की फिर वही हाल कर दिया इन खरगोशों ने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिंगन करते हैं। तो आज हम इसकी फिर से सफाई करेंगे ताकि ये आराम से यहाँ पर रह सके, गंदगी हमें भी अच्छी नहीं लगती और जानवरों को भी अच्छी नहीं लगती होगी। तो आज हम सफाई करेंगे अपने मरीजों की। गाइस हमारे पास ना
कुछ जंगली कबूतर भी आते हैं। तो मैंने सोचा यार जंगली कबूतर आते हैं उसको हम कैद तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं क्या करता हूँ उनका इंतज़ाम करता हूँ यहाँ पे, ताकि वो भी हमारे यहाँ पर रहकर अंडे निकाल सके, बच्चे निकाल सके। तो उस जगह पर सामने जो हमारा ये गोट फार्म है ऊपर की साइड में, मैं वहाँ पर उनका इंतज़ाम करता हूँ। और उनके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया था कुछ, वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। वो है ये टोकरी गाइस, ये जो टोकरी है ना मैं बांधूंगा ऊपर, फिर इसके अंदर ना वो बच्चे निकाल सकेंगे आराम से। जी हाँ गाइस, जंगली कबूतर के लिए अगर इस तरह की टोकरी लगा दी जाए तो वो बच्चे निकाल देते हैं और काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, आराम से रह सकेंगे। तो मैं यहाँ पर ये तीन लेकर आया था और मैं इनको आज लगाने वाला हूँ अपने मिनी जू में। अब तो मिनी जू की भाई तैयारी करनी ही पड़ेगी ना, आप तो सपोर्ट कर ही रहे हैं तो यार थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो है तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, जब आप हमें हेल्प करोगे हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई थोड़ा सा हेल्प करो। हमारे जो कबूतर है वो बाहर चुग रहे हैं, टर्की मुर्गा केवल अंदर है और इस टर्की मुर्गे से डरकर हमारी जो गिनी फाउल है देखो ऊपर बैठी है, बैठा है यार वो मेल है। और ये यार भूरा भाई इसको लेकर नहीं गए, तो बोल रहे कि यार मैं अकेला क्या करूँ, जोड़ा होता तो मैं लेता, मैं क्या करूँ उसका यार। मैं एक काम करता हूँ उसको दोबारा से वहीं पर छोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्या पता ये अब एक साथ रह ले। मैं एक और काम कंप्लीट करने वाला हूँ, वो है हमारे फाउंटेन का, क्योंकि हमारे फाउंटेन का काम रुका पड़ा है, मुझे बुखार था 5-6 दिन से, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने फाउंटेन का काम को कंप्लीट नहीं कर पाया था। आज इसकी मोटर लेकर आऊँगा, ठीक है, इसके जो जॉइंट है यहाँ पर जॉइंट कराऊँगा, इसको भरेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पर बच्चों को नहलाऊँगा, थोड़ा सा आज यहाँ पर मस्ती करने वाले हैं एक स्विमिंग पूल की तरह, तो बच्चों को बुलाकर यहाँ पर मैं नहलाऊँगा उनको, और वो वीडियो देखना कितनी अच्छी लगेगी जब हम यहाँ पर बच्चों को नहलाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मछलियाँ छोड़ेंगे, पहले हम इसकी ट्राई करेंगे ये कहीं से लीक तो नहीं है। तो गाइस यानी अब जो है हमारा फाउंटेन काम भी आज से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और भाई क्या करूँ इन खरगोशों का यार, यार खरगोश से बड़ा परेशान हूँ भाई मैं इसलिए। तो गाइस शाम के बजे हैं अभी 6:30 बजे आने के बाद में गए सबको हमने डाल दिया है दाना, देखो इनका दाना डाल दिया, दाना खा रही है, कबूतरों को दाना डाल दिया भाई, कबूतरों ने दाना खा लिया, पानी डाल दिया इन सबको हमने यहाँ पर, ठीक है। और गाइस हमारे जो गिनी फाउल है उसने दे रखा भाई साहब अंडा दे रखा है यहाँ पे, तो वही भाई हर रोज का काम अंडा उठाना महाभारत, यानी गाइस इसके आगे से अंडा उठाना बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि यार जब अंडा उठाने के लिए जाते हैं इनके पास भाई साहब बहुत ज़्यादा है ये रुक्का उतारते हैं। तो यार आज ना हमारी जो की मुर्गी है इसने अंडा नहीं दिया, शायद ये बाहर घूम रही थी, अब मुझे नहीं पता इसने कहाँ पे अंडा दिया है कहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, कहीं पर भी अंडा दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। और ऐसा तो नहीं है कि इसने अंडा दिया और शायद कोई उठा के ले गया हो बाहर से। तो गाइस शाम का जो टाइम है आई हिल सारे पेड़ के अंदर पानी दे रहा है जो हमारे पेड़ है यहाँ पर, हालांकि सारे खरगोश ने पेड़ हमारे ख़राब कर दिए, खरगोश नीचे के पेड़ बहुत ज़्यादा खाते हैं। और गाइस जो है यहाँ पर हमारे जो पेड़ है ना बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, ख़राब हो गए हैं। तो देखो गाइस खरगोश ना हमारे यहाँ पर ये दाना चुग रहे हैं, तो मैं इनको डालता हूँ अभी रोटी, और रोटी जो है ये भाई बहुत शौक से खाते हैं, और हमारे चूहे ही भाई रोटी खाते हैं, मैं चूहों को भी थोड़ी सी रोटी डाल दूंगा। तो गाइस देखो हमारे जो गिनी पिग है ना ये रोटी बहुत शौक से खाते हैं भाई, देखो रोटी मैंने यहाँ पर डाल दी, ये रोटी खा रही हैं, और ऐसे ही हमारे खरगोश हैं, खरगोश ही भाई साहब देखो रोटी बहुत शौक से खाते हैं और ये रोटी खाना शुरू हो गई है। हमारे जो मुर्गा और मुर्गी है भाई, यार मैंने एक बार तोते को रोटी डाल के देखो, तोते रोटी खाते हैं क्या। तो चलिए गाइस अब वो काम करते हैं हम जो करना ज़रूरी है, और वो ये कि भाई साहब गिनी फॉल के सामने से ये वाला अंडा उठाना, तो चलिए ये अंडा उठाने की कोशिश करते हैं हमसे उठता है या नहीं उठता है। बस चुप, तो भाई मैंने ना इनके पास आ गया, चल चल नहीं नहीं डर रही है भाई, ऊपर चल चल ऊपर चल ऊपर चल, ये अंडा फोड़ ना दे यार, डरती बहुत ज़्यादा यार ये, हटो 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 हटो, अबे बाहर नहीं, सारे कपड़े ख़राब कर दिया, चल इधर चल इधर चल। इनके पास से मैंने अंडा उठा लिया, और अंडा उठाना भाई डेली का बहुत महाभारत है, और भाई अंडा भी देती है कॉर्नर में जाके, तो फाइनली अंडा तो उठा लिया। चलो फिलहाल गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चाहिए, मिलते हैं कल एक वीडियो साथ, आज के लिए बस टाटा बाय बाय गाइस।